सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। दिन सोमवार, आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, आइए इस अहम खबर से करते हैं खबरों की शुरुआत। डीएम के फरमान के बावजूद भी भदोही में अवैध प्लाटिंग का कारोबार बेखौफ फल फूल रहा है। किसानों की कृषि योग्य जमीन खरीद कर या फिर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर प्लाटिंग किया जा रहा है और करोड़ों रुपए अवैध प्लाटिंग कारोबारी कमा रहे हैं। शासन के बनाए गए मापदंडों, नीति निर्देशों का भी खुला उल्लंघन भदोही में हो रहा है। इस पूरे खेल में भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा व तहसील के जिम्मेदार शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही कुछ मामला भदोही शहर के रामरायपुर में चल रहा है, जहां भोली भाली जनता के नाम पर अवैध प्लाटिंग कारोबारी विवाद को भड़का रहे हैं। कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करने के फिराक में है तो कोई प्लाटिंग के नाम पर रास्ता लेने के चक्कर में, और इस पूरे मामले में इलाके की भोली भाली जनता घनचक्कर बनी हुई है। रास्ता विवाद कम बल्कि अवैध प्लाटिंग कारोबार को लेकर यह पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। पशुबाड़े में पहुंचकर एक छात्र ने जानवर के पगहे के सहारे जान दे दी। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पचलौरिया भुड़की गांव का है। पचलौरिया भुड़की निवासी जिला जीत का 16 वर्षीय पुत्र कक्षा 9 का छात्र किशन कुमार यादव का शव उसके घर से 200 मीटर दूर पशु बाड़े में पगहे के सहारे पाया गया। देर शाम जब किशन घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान घर से 200 मीटर दूर पशु बाड़े में उसका शव पाया गया। परिजनों ने मंजर देखा तो कोहराम मच गया। किशन कुमार यादव को नीचे उतारकर परिजन महाराजा चेत सिंह राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। किशन कुमार यादव ने मौत को क्यों गले लगाया, इस बात की चर्चा होती रही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। उधर हादसे को लेकर परिजनों में कोहराम मचा है। भारतीय भीम गर्जना संघ के बैनर तले आयोजित स्वाभिमान महासम्मेलन भदोही जिले में बेहद कामयाब रहा, जहां बड़ी संख्या में स्वाभिमान सम्मेलन में लोग दूर दराज से पहुंचे थे। सम्मेलन का आयोजन औराई के उगापुर हवाई पट्टी पर किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत भदंत गुरु धम्मो जी द्वारा चित्र शरण, पंचशील व बुद्ध वंदना से किया गया। स्वाभिमान सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम स्थल भरा देख कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि गदगद नजर आए। स्वाभिमान महासम्मेलन के मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय के अधिवक्ता व इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी गुरु प्रसाद मंदन जी रहे। स्वाभिमान महासम्मेलन में जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी पर चर्चा की गई, वहीं क्रांतिकारी वीरों, महापुरुषों, संतों के योगदान पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर जीएल सिंह, अजीत कुमार, तनवीर आलम, संगम लाल आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के अस्ती गांव में पुआल में आग लग गई। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस पहुंची थी। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश को लेकर दो सगे भाइयों के परिवार वालों के बीच काफी समय से विवाद चला आ रहा है, जहां अस्ती गांव निवासी पप्पू सरोज ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके खेत में रखे पुआल में आग लगा दी गई और लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पप्पू सरोज की सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस पहुंची थी। इस मामले में पुलिस ने धारा 151 के तहत कार्रवाई की है। पारिवारिक उलझन व मन मुटाव के बाद पति पत्नी के बीच अनबन हो गया था। पति पत्नी के बीच हुए अनबन का मामला भदोही जिले के महिला थाना पहुंचा था। महिला थाना पहुंचे पति पत्नी की नजरें जब एक दूसरे से मिली तो दोनों साथ रहने को राजी हो गए। उधर महिला थाना के जिम्मेदारों ने भी पति पत्नी से अलग अलग बात की। थोड़ी ही देर में दोनों के शिकवे शिकायत दूर हो गए और साथ रहने को राजी हो गए। जहां सूर्यामा के वारी गांव निवासी राजदेव व मोड़ इलाके के जमनीपुर अड़गवा की रिंकी देवी के बीच पारिवारिक उलझन व मनमुटाव के चलते दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया था, लेकिन महिला थाने में पहुंचने के बाद दोनों पति पत्नी एक साथ रहने को राजी हो गए, जहां महिला थाने के पुलिस कर्मियों ने दोनों को माला फूल पहनाकर एक साथ रवाना किया। भदोही जिले के मशहूर लोक गायक कलाकार रामराज का निधन हो गया। रामराज दूरदर्शन व आकाशवाणी के गायक कलाकार रहे।
भदोही के मोड़ डुडवा धर्मपुरी निवासी 62 वर्षीय रामराज लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़े रहे। मिर्जापुर मंडल कोऑर्डिनेटर के पद पर भी रह चुके हैं। पिछले एक सप्ताह से रामराज बीमार चल रहे थे। भदोही जिले के मशहूर लोक गायक व बसपा नेता रामराज के निधन की खबर फैलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। रामराज बेहद मिलनसार व हसमुख थे। उनका अंतिम संस्कार रामपुर के गंगा घाट पर किया गया। अंतिम संस्कार में रतनलाल यादव, सुरेश गौतम, चंद्रेश मौर्या, सुभाष गुलाब आदि मौजूद रहे। रेलवे अधिकारियों की लापरवाही कहें या जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा, क्योंकि वर्षों से सराय कंसराय रेलवे स्टेशन बदहाल पड़ा है। वाराणसी जंघई रेलमार्ग का सराय कंसराय रेलवे स्टेशन आज भी बुनियादी सुविधाओं के इंतजार में है। इस रेलवे स्टेशन पर आज भी यात्री सुविधाओं का टोटा है। शाम होते ही समूचा स्टेशन अंधेरे की आगोश में समा जाता है। रेलवे स्टेशन पर लगा हैंडपंप खुद प्यासा है। आने वाले यात्रियों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। इलाके के पप्पू कन्नौजिया, रमाशंकर, रविंद्र यादव, सोनू हाशमी, अजय पांडे ने बताया कि स्टेशन की व्यवस्थाएं कागजों पर तो चाक चौबंद है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सराय कंसराय रेलवे स्टेशन बदहाली का दंश झेल रहा है। स्टेशन पर भीषण गंदगी फैली हुई है। गर्मी आने वाली है, लेकिन स्टेशन परिसर पर लगा हैंडपंप बदहाल पड़ा है। इलाके वासियों ने रेलवे विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराते हुए इस स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की मांग की है। भदोही सूर्यामा मार्ग अकेलवा पेट्रोल पंप के समीप एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जौनपुर के वाजिदपुर निवासी 25 वर्षीय विपिन कुमार बाइक से भदोही शहर के हिम्मतपुर बकुचिया अपने रिश्तेदार के यहां आया हुआ था, जहां पेट्रोल पंप के समीप सड़क हादसे में घायल हो गया। राहगीरों ने इसकी सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी। मौके पर पायलट संजय व EMT राधेश्याम एम्बुलेंस लेकर पहुंचे थे। घायल विपिन कुमार को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता व पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने बिजली विभाग व पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि भदोही में विद्युत चेकिंग के नाम पर कुछ तथाकथित लोगों के इशारे पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, साथ ही पुलिस भी मनमानी कर रही है। रविवार को भदोही शहर के पचभैया स्थित अपने आवास पर एक बैठक करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने इस तरह के तमाम आरोप लगाए हैं। बैठक में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कहा कि बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने विद्युत चेकिंग के नाम पर होने वाले उत्पीड़न को रोकने की मांग की है। बैठक में रमेश चंद मौर्य, महेंद्र यादव, नजरुद्दीन शाह, अशोक यादव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे सर्रोही के सर्वेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि पर्व पर श्रीराम चरितमानस पाठ का आयोजन किया गया था। पाठ के समापन मौके पर भंडारे का कार्यक्रम रखा गया था। महाशिवरात्रि पर्व के दूसरे दिन विशाल भंडारे में पहुंचे श्रद्धालु व भक्तों ने प्रसाद चखा है। मंदिर पर रुद्राभिषेक व हवन के कार्यक्रम भी रखे गए थे। मंदिर समिति की ओर से आयोजित श्री रामचरितमानस पाठ में प्रमोद पांडे और उनकी पत्नी शिखा पांडे यजमान रही, जहां हवन व पूजा पाठ के दौरान पंडित कैलाश शास्त्री व पंडित श्यामधर शामिल रहे। कार्यक्रम के आयोजक प्रधानपति जितेंद्र उर्फ बड्डा पांडे रहे। इस मौके पर लोलारख गौतम, हरि विश्वकर्मा, बबलू गौतम, विवेक गुप्ता आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के बनकट खास बिछिया में भाजपा अनुसूचित मोर्चा की बैठक संपन्न हुई है। बैठक के मुख्य अतिथि अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री अशोक सोनकर रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया, जहां अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री अशोक सोनकर ने केंद्र व प्रदेश सरकार के फायदे बताए। पार्टी से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए प्रदेश मंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा पिछड़ा वर्ग के लोगों से मुलाकात करें और पिछड़े वर्गों के लोगों की जमीनों को हड़पने वाले भूमाफियाओं की लिस्ट तैयार कर प्रशासन को सौंपें। कहा कि भदोही जिले में पिछड़े वर्ग की समस्याओं को लेकर मोर्चा के लोग खुद अधिकारियों से मुलाकात करें। भाजपा अनुसूचित मोर्चा की बैठक में पिछड़ा वर्ग समाज के लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष संगम लाल व अध्यक्षता मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सरोज ने किया। कार्यक्रम में मोर्चा के उपाध्यक्ष रमेश सोनकर, जिला महामंत्री फूलचंद व मंडल अध्यक्ष जयशंकर भी शामिल रहे।
भदोही शहर के मुसीलाटपुर दसवीं रामलीला मैदान में चल रहे धनक राज स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया। समापन मौके पर डीएम गौरांग राठी पहुंचे थे। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डीएम गौरांग राठी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया। क्रिकेट टूर्नामेंट में मिशन शक्ति के तहत महिला खिलाड़ियों ने भी जमकर हाथ आजमाए, जबकि पुरुष वर्ग के फाइनल मैच में जौनपुर के निगोह की टीम जीत दर्ज करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस मौके पर लालजी राय, डॉक्टर गोपाल राय, अरविंद राय, शैलेंद्र शर्मा, विपिन राय आदि मौजूद रहे। अभोली ब्लॉक के खरकसेन गोकुल पट्टी में समान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे थे। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि वाटर एंड इंडिया के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर धावक नायक बिंद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिचंद बिंद ने किया। प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले छात्र छात्राओं को बैग मेडल जैसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले छात्रों में आर्यन मौर्य, प्रियांशु बिंद, निधि यादव, अतुल विश्वकर्मा, कृष्ण कुमार गुप्ता, शेषधर बिंद सहित तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर भदोही जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने अपील की है कि फाइलेरिया की दवा अवश्य खाएं और भदोही जिले को फाइलेरिया बीमारी से मुक्त बनाएं। सीएमओ ने बताया कि 27 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलेगा। भदोही जनपद वासियों से अपील करते हुए सीएमओ ने कहा कि फाइलेरिया की दवा अवश्य खाएं। आशा व आंगनबाड़ी डोर टू डोर पहुंचकर दवा खिला रही हैं। सीएमओ ने बताया कि भदोही जिले की 41% आबादी अब तक दवा खा चुकी है। फाइलेरिया मुक्ति के लिए दवा अवश्य खाएं। खाना खाने के बाद ही फाइलेरिया की दवा का सेवन करें। फाइलेरिया दवा खाने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। औराई बाजार के एक कारपेट कंपनी में महान विचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर संघ चालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी की जयंती मनाई गई। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संघ के लोगों ने उन्हें याद किया। जयंती पर औराई के कारपेट कंपनी में संघ द्वारा कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव संत स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज पहुंचे थे। इस मौके पर स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि भारत सनातन काल से ही हिंदू राष्ट्र है, आवश्यकता है सिर्फ सर्वांगीण विकास की। इस दौरान गोलवलकर गुरु जी के जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ज्ञान दत्त पांडे ने किया। इस मौके पर संघ के विष्णु, मुकेश, योगेश, दीनानाथ, श्रीकांत आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। हम ऐसे तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार खबरों को अपनों के बीच शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं, साथ ही लाइक कमेंट कर हमारे उत्साह को और बढ़ाते हैं। हम ऐसे तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह का प्यार आप दर्शक बंधुओं का सत्यम न्यूज पर सदैव बना रहेगा। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।